स्वामी मैं भावना ये भाव दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव देहांत के समय में उनको न भूल जाओ देहांत के समय में उनको न भूल जाओ शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर नियम न कोई दृढ़ता हृदय तूते नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं जागे नहीं कषाये नहीं वेदना सतावे जागे नहीं कषाये नहीं वेदना सतावे तुमसे हिलो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं तुमसे हिलो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं आत्म स्वरूप अथवा राज ना विचारूं आत्म स्वरूप अथवा राज ना विचारूं हरिहंत से साधु रटना यही लगाऊं हरिहंत सिंह साधु रटना यही लगाऊं धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रखे गाफिल न हो पाऊं वो सावधान रखे गाफिल न हो अच्छा मरने की हो न ख्वाहिश जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश परिवार में तुझन से मैं मोह को हटाऊं परिवार में तुझन से मैं मोह को हटाऊं होंगे जो भोग पहले उनका न हो सुमरन होंगे जो भोग पहले उनका न हो सुमरन मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि शिवराम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं शिवराम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं नमो अर्यंतानं नमो सिद्धानं नमो आयव्यानं नमो वज्जयानं नमो लोये सर्वसामानं नमो समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलं भगवान वीरो
मंगलम गौतम मंगलम मंगलम कुंद कुंडाले जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं नमो श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 108 ये पत्र कृपालदेव की आत्मा ने कृपालदेव को लिखती है, किसी मुमुक्ष को ये पत्र नहीं लिखता है। बहु दुखों से छूटने वाले जीव की साधना कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको शुरुआत करनी है साधना की, उसका प्रयोग वाला जो मार्गदर्शन यहाँ से अपने को मिलता है। थियोरिकल मार्गदर्शन नहीं है ये स्वयं को स्वयं कहाँ खड़ा है, अंदर में क्या चल रहा है, रुचि कहाँ है, गोल किसका है, वो सब खुद को चेक करना है। खुद ही खुद की आत्मा का एक्सरे निकालना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहीं मेरे से वो गलतियाँ तो नहीं हो रही है ना जो परमात्मा के मिलने से मुझे रोकती है। ऐसा करके यहाँ पर कृपादेव ने स्वयं का लेखा जोखा किया है, अंतर अवलोकन में उन्होंने अपनी गलतियाँ ढूंढ निकाली है और अपने आत्मा को संबोधित करते हैं कि हे जीव तू क्यों भटक रहे हो, सुख तो अंतर में है और बाहर ढूंढने से तो मिलेगा नहीं, और अंदर में कहाँ है। ऐसा नहीं है कि हम अंदर आंख बंद करके बैठे हो अभी कहाँ भी मिल जावे, ऐसा है तो यही स्वयं है, लेकिन जब तक ये 16 गलती होगी तब तक नहीं मिलेगा, देखने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 16 गलती इसमें से 5वीं गलती अभी चल रही है, जो 5 कल 4 गलती चले गई उसमें ये मेरा है ऐसा मत मान, ये उसका है ऐसा मत सोच, इसके लिए ऐसा करना है ऐसे भविष्य की प्लानिंग मत कर, भूतकाल में ऐसी गलती नहीं करता तो अच्छा होता, ये पश्चाताप करना सॉरी बोलना दुखी होना छोड़ दे। और अब 5th नंबर, इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा ऐसा आग्रह न करके रहो, किसी प्रकार का आग्रह नहीं, आग्रह माने कंडीशन शर्त। पहले मैं गलती करता था, रंग राग में फंसा हुआ था, इसीलिए मुझे दुखी होता था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, अब मुझे प्रभु के दर्शन करना है, संसार में कहीं भी रुचि नहीं है, इसलिए मेरी कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरी सारी गलती माफ कर देवे और जैसे मैं अंदर बैठूँ आँख बंद करके वैसे ही दर्शन दे देवे, देरी न लगावे। ये क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ, कंडीशन नहीं चली। डॉक्टर को नहीं बोलते कि अभी आप मैं आपके पास आ गया हूँ एक इंजेक्शन लगा दो अभी का अभी एक सेकंड के अंदर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर क्यों बोलता है, उल्टा डॉक्टर उसको बोलता है कि देखो भैया मैं कोशिश करता हूँ सब ठीक हो जाएगा लेकिन फिर भी इस पेपर पर साइन करो, अगर डेथ हो गया ऑपरेशन फेल हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा मेरे को, पहले यहाँ साइन करो, इसके बाद ही मैं ऑपरेशन करूँगा जब तक ऑपरेशन नहीं करो। देखो तो सही, रमा को तो ऑपरेशन उन्होंने साइन दे दिया सब पेपर के ऊपर, अंदर लेके गए इसके बाद वापिस आए, नहीं आपको देखो फिर हम समझा देते हैं ठीक से, कुछ भी हो सकता है अभी हमने हाथ नहीं लगाया अभी भी आप सोच लो, बोला अभी अंदर लेके गए ना साइन दे दिया अब क्या है, नहीं आप फिर सोच लो, मैंने क्या सोचना है, आप इस पेपर पे साइन करो कि हमने आपको सब कंडीशन समझा दिए और आप अभी भी राजी हैं साइन करो। मैं बोलता हूँ ऐसा डॉक्टरों के पास जाना क्यों, इसे तो यमराज अच्छे
क्या इनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं? गुरुजी इसमें रिस्क वाज वेरी हाई बहुत, लेकिन करना नहीं था, हमको इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन वो अपने को ऑर्डिनरी समझ लिए कि जैसे हम जिंदगी चाहते हैं, जब रिस्क इतना हाई है तो हम जिंदगी नहीं चाहते, हम शांति से मरना चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पाए। उनको मालूम नहीं होता और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टरों के साथ। अभी हम ऑर्डिनरी मौत से नहीं मरेंगे, हम डॉक्टरों की मौत से मरेंगे, क्योंकि ऐसा मत करो वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, जिंदगी खलास हो गई, जीते जी मार डाला। यमराज तो उठा करके एक सेकंड में लेके जाता है, लेकिन ये लोग अपने को जिंदा मार डालते हैं, जबकि उनको खुद को अपने को भरोसा नहीं है। इतनी कंडीशन में क्या जीना है, ये जीना है क्या, ये मुर्दा है? तो मैं तो बोलता हूँ जिंदगी जीना है तो सांस से जीना है, और मरना भी सांस है, रोते रोते थोड़ा मरना है, मरना भी सांस है, मौत भी देखेगी कि था एक, मिला था एक हमारे को, कि मेरे से डरता नहीं था, मैं उससे डरता था, और ऐसा ही हुआ ना, अपने देखा ना, मौत डरती थी उनसे, जब हम इनकी साधना देखे तो अपने को ऐसा लगे कि मौत उनसे डरती थी। मेरी स्थिति में तो इतना हैरान किया, लेकिन उठा के नहीं लेके जा सका, कोमा में से वापिस आ गए बाहर। देखो फिर चांस मिल गया, थोड़ी जिम्मेदारी निपटा करके फिर बाद में आ जाओ, और हंसते हंसते गए। ये हमारे से मौत भी कांपती है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन हमें प्रभु को पाने के लिए ढेर सारी कंडीशन है। हम चाहते हैं अब हम सुधर गए ना, अब हमारी भावना ठीक है ना, पहले नहीं थी, अब तो ठीक है ना, अब तो दर्शन दे दो, अब क्यों देरी करते हो? ऐसे भूख लगे और फौरन खाना मिल जाए, क्या सर का दर्द हो गया और एना सिले लगे और फौरन मिट जाए, ऐसा समझते हो कि जैसा कि हमारे सब गलती माफ हो जाएगी इमिडिएटली? कि नहीं, ऐसा नहीं भी होता है, धीरज रखना पड़ेगा। वो आपकी परीक्षा लेता है, परमेश्वर जो है आपकी भावना कितनी सच्ची है उसकी परीक्षा ले रहा है। भावना सच्ची है ऐसा नहीं, विपरीत समय में आपकी भावना कितनी टिक पाती है वो देखना चाहता है। माफ कर दो और माफ कर दे और आप राजी हो जाओ, नहीं वो माफ न करे तो भी आपको राजी रहना है। क्या वो दर्शन न देवे तो भी वापिस लौट के नहीं जाना है संसार में, तो समझना कि आपकी भावना सच्ची है। कि अभी बहुत देर से ध्यान लगा रहा हूं लेकिन अभी परमात्मा दर्शन देता नहीं, दुकान का भी काम खराब होता है, कब तक चले? ऐसा करते करते कितने महीने निकल गए, 6-8 महीने निकल गए, दुकान में भी 6-8 घंटे ध्यान करते थे, भक्ति सुनते थे, गुरुदेव की कैसेट लगाते थे, भावना शुद्ध थी, खुद को समझ में नहीं आता था कि मेरी कहां गलती हो रही। और एक दिन पकड़े गए, क्या कहाँ गलती हो रही थी, सदगुरु को ही नहीं मालूम, साथ में थोड़े रहते दिन भर, और जो 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 बताया गया वो तो सब पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उसमें तो एक महीना भी बहुत मुश्किल से निकलता है, एक महीने के अंदर हो जाता है, 8-8 महीने कैसे निकल गए? फिर पूछा अभी क्या हो रहा है, कैसा दुकान में भी 6-8 घंटे मेरा ध्यान में जाता है, 10-12 घंटे की दुकान में 6-8 घंटा ध्यान में बैठते हैं, ग्राहक की परवाह नहीं है, बिजनेस की परवाह नहीं है, अब कहाँ रुकावट है? जब पूछा तो फिर बोले कि मैं बोला फिर अभी आपका दोनों काम खराब होता है ना, दुकान बराबर चलेगी ना प्रभु मिलते हैं, अब क्या करना, कुछ तो करो, एक काम करो अभी आप छोड़ दो प्रभु को पाने की कोशिश, क्योंकि अभी आप मेरे को भी समझ में नहीं आता है कहाँ गलती है, अभी आप 8 घंटा मत करो ध्यान दुकान में, आप बराबर दुकानदारी अच्छा करो, घर पे आने के बाद ध्यान करना। तो फिर वो क्या बोले कि नहीं अभी देखता हूँ, एक महीना और ट्राई कर लेता हूँ, आखिरी महीना ट्राई करता हूँ, जैसा है वैसा ही, अगर एक महीने के अंदर परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया तो अमिताभ बच्चन वाली बात आ गई, क्या डंका बजाता है ना घंटा है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि ज्ञान का समय जो अभी 8 घंटा है वो 1 घंटा कर दूंगा, ताकि दुकान भी बराबर नुकसान न हो और अपना काम भी बराबर कंटिन्यू रहे, छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकता,
क्या आ गए ना, धीरज का अंत हो गया ना यहाँ पर। देखो वापिस कहाँ जा रहा है, मन किधर जा रहा है, कि मैं कोशिश कर ले रहा हूँ आखिरी कोशिश, अब 6-8 महीना निकाला तो अभी एक महीना शायद 24 फुट खोद दिया, अभी एक फुट खोदूंगा तो शायद पानी निकल जाएगा, लास्ट चांस यहाँ पकड़े गए, ये भावना में कमी है, ये सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ कंडीशन पड़ी है कि मैं जब इतना सरेंडर हो चुका हूँ परमात्मा को तो बाकी काम तो परमात्मा को करना है, उसको आकर के दर्शन देना है। अब मैं क्या करूं, मरूं क्या, जेल खा लूं क्या, ऊपर से गिर जाऊं, क्या करूं मैं, सारा संसार को तो छोड़ दिया है मैंने। इसलिए आप चाहते हैं कि परमात्मा मुझे माफ कर देवे मेरी गलतियों को और मुझे जल्दी से दर्शन दे दे। खलास हो गया, अभी नहीं होगा दर्शन, एक कंडीशन हो गई। देखो एक फिफ्थ नंबर का पॉइंट, इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा, ऐसा आग्रह न करके रख। अपने को समर्पित कर देना है, जैसे सागर से मिलने जाता है सागर की गहराई मापने के लिए, नमक का पुतला, समुद्र के किनारे पे दो पुतले थे, दोनों में बातचीत हुई, इतना बड़ा सागर है इसकी गहराई कितनी होगी, इसमें क्या है, अभी जाके मैं बता क्या है, माफ करके आता हूँ, लगाया डाय नमक के पुतले ने, क्या 15 मिनट आधा घंटा घंटा अभी तक बाहर नहीं आ रहा, दूसरा ने सोचा कि ये तो गया अभी वापिस ही नहीं आ रहा है, बहुत गहरा होगा शायद समुंदर, चलो मैं दोनों को देख के आता हूँ, समुंदर की गहराई को भी और पुतले को भी, आखिर पहुंचा किधर है, वो भी गया तो वो भी क्या होगा, वो भी गायब। ये अपने आप को समर्पित करना है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, तो एक ही रहेगा। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करना है तो फिर आप नहीं रहोगे, फिर आप खत्म हो जाओगे, जिंदा ही खत्म हो जाओगे, आपका नाम बदल जाएगा। अब दुनिया वालों की नजर में भले आप देवचंद भाई हो, वो लोग तो इसी नाम से पहुंचा नहीं कि उन्होंने कहा आपको अंतर को देखते हैं, लेकिन आपके लिए तो नाम बदल गया, अब मैं वो देवचंद भाई नहीं हूं, अब मैं परमात्मा हूं, क्योंकि दो नहीं रहते, देवचंद भाई कभी भी परमात्मा को नहीं मिल सकते, क्योंकि देवचंद भाई नाम की कोई हस्ती नहीं है, अस्तित्व ही नहीं, वो तो कल्पना है कि मेरा नाम देवचंद भाई, कल्पना है, और कल्पना जब हकीकत का सामना करती है तो कौन मरता है, तो कल्पना मर जाती है। देवचंद भाई हमेशा के लिए गया, और अब क्या आ गया उसके जगह पे, मैं परमात्मा हूं, ये आ गया। तो अभी जो भी व्यवहार होते हैं वो तो नाटक, खाने पीने उठा पटक जो भी हो रही, दुकान जाना होता है, अकाउंट करना होता है, ये सब क्या है, ये कृष्ण भगवान की क्या है, लीला है। देखो वो मटकी भी फोड़ देते, वो गोपियों के कपड़े भी चुरा लेते, वो कंकरी मार करके गगरिया भी फोड़ देते, कंस को ही मार देते, महाभारत के युद्ध में चालाकी करते, सब उठा पटक कावा दावा सब करते, लेकिन ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, परमात्मा की लीला बोलते हैं। हमको एक रूप दिखाई देता है जबकि वो अंदर में दूसरे ही होते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो परमात्मा के दर्शन करना है तो फिर आपको मिटना पड़ता है, मेरे को दर्शन दो तो फिर दो पना हो गया, ए प्रभु मुझे दर्शन दो, दो पना हो गए, मतलब आप एक हो और जिसको परमात्मा आकर के दर्शन देने वाले हैं, तो आप एक और दूसरे हैं परमात्मा, और दोनों आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हाय हेलो करते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और दोनों राजी हो जाते हैं, दोनों गले मिलते हैं, कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, अगर वो आएगा तो आप नहीं बचोगे, और जब तक आप बचोगे
तब तो वो नहीं आएगा। एक अजीब है, अजीब तमाशा है। इसलिए वेदांत का अद्वैत ये दोपना नहीं, ये अहम ब्रह्मास्मि, इस दुनिया में मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। इसीलिए जल्दी से मुझे दर्शन मिल जाए तो अच्छा, अभी धोखे में हो, अभी आप समझ नहीं पाए हो। परमात्मा को मिलना नहीं, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा महसूस करना है। इसीलिए आपकी सारी कंडीशन छोड़ दो, सारे आग्रह छोड़ दो कि मच्छर हैरान न करे, कमर न दुखे, कोई जोर से डिस्टर्ब न करे। बच्चे लोग गए हैं बाहर ना, अभी डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, तो परमात्मा जल्दी से मिल जाएंगे। अरे होते तो भी आपको कोई नहीं रोक पाता था परमात्मा से मिलने से, वो दुश्मन थोड़े हैं, वो रुकावट थोड़ी है। हमारा उनके प्रति जो मोह है वो रुकावट है, या वो हमको रोकते हैं, ऐसी जो कल्पना है वो रुकावट है। नरक में भी आत्मज्ञान हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? कि आत्मज्ञान के लिए कहीं जाना आना नहीं होता है, और कोई डिस्टर्ब कर सकता ही नहीं है। क्या ये अनुभूति हमको करना है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा अनुभूति करना है। उसमें ढोल नगाड़े बजाओ तो भी हो जाता है अनुभव। कान के आप पास आकर के फोड़ेंगे ना पत्थर, बंदूक फोड़ेंगे ना तो भी हो जाएगा। अनुभव इतना सरल है, लेकिन विधि समझ में आना है। अगर हमको अभी इसी वक्त धमाल में आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई दूसरा जिम्मेदार है? नहीं, हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ शर्त अंदर में रखी है, सब कॉन्शियस माइंड में, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, परमात्मा जल्दी से दर्शन दे। हमारे में धीरज नहीं है, चरण शरण धीरज न थी, मरण सुधी नी छे। हे प्रभु, हे प्रभु, सुन कहूं दीना नाथ दयाल, हूं तो दोष अनंत नु बाजन छो करुणा, शुद्ध भाव मुझ मां नथी नथी परमादर नाय जोग नथी सत्संग नो नथी सत्सेवा जोग, केवल अर्पणता नथी, कंडीशन है अर्पणता नहीं, नथी आश्रय अनुयोग। हूँ पामर सुन करी सकूं एवो नथी विवेक, कुछ ना कुछ करना है, कुछ उठापटक करना है। भैया तुम कर नहीं सकते हो, ये समझ लो, बस इतना ही करना है। तुम कुछ कर नहीं सकते हो समझ लो, इतना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ जल्दी करो। क्या जल्दी करो? हर पल हर सांस में परमात्मा का अनुभव होता है, कण कण में, जगह जगह, हर पल। लेकिन तुम अंधे हो गए हो, अब क्या किया जाए? हूं पामर सुन करी सकूं एवो नथी विवेक, चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधी नीचे। देखो ऐसा करते कहते हैं कि एम अनंत प्रकार थी साधन रहित हूं, नहीं एक सद्गुण पण मुख बताओ उसको। अब क्या करना है? सरेंडर। केवल करुणा मूर्ति छो दिन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ छु ग्रहो प्रभु जी हा। अनंत काल थी आथड़ियो बिना बान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मुख्य नहीं अभिमान। सब साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं त्या बंधन समझा। अब क्या करना कि प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए। अब क्या करना? क्यों परमात्मा नहीं मिलते हैं? देखो डीठा नहीं नीचे दोस्तों, तभी अपनी गलती है, अपनी कुछ कंडीशन, अपने कुछ आग्रह है कि ऐसा हो तो करो, ऐसा हो तो करो। मतलब परमात्मा भी मिल जाना अपने को,
और अपने संसार को थोड़ा भी नुकसान नहीं होना। कोयले की दुकान में कुलचे की दलाली करना और कपड़े को जरा भी दाग नहीं लगना, थोड़ा भी रामद्वेष नहीं होना, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, टेलीफोन की घंटी नहीं बजना, मच्छर हैरान नहीं करना, गर्मी हैरान नहीं करना, भूख प्यास नहीं सताना, हाँ तो अब मैं शांति से धर्म करूंगा। यहाँ पे अर्पणता नहीं लिखे, केवल अर्पणता, केवल अर्पणता, ओनली टोटल सरेंडर शिफ्ट है। मैं तुम्हारे शरण में हूँ, दर्शन देना है तो तेरी मर्जी, नहीं देना है तो तेरी मर्जी, मैं वापस जाने वाला नहीं, तेरे दर पे आया हूँ। क्या बोलते हो, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, वापिस जाने के लिए थोड़े आए, वापिस जाने के लिए। कौन सा पिक्चर का था, लैला मजनू का था, याद आ गया क्या? ऐसा वो धमाल करते हैं ये लोग परमात्मा से मांग मांग कर, और वही धोखा खाते हैं कि मेरे घर पे भिखारी आया तो नहीं मिलेगा, अब भगवान आता तो मैं दे देता अभी, लेकिन भिखारी आया तो नहीं देता। ये भिखारी रहने का मार्ग नहीं है, भगवान बनने का मार्ग है, भगवान हो इसलिए आगरा में लिखा है, हर पन्ने पे, हर दीवार पे लिखा है। मेरे को आगरा जाने का बहुत दिल होता है, इसका कारण ये है क्या, इस धर्म के अंदर, इस धर्म के अंदर भगवान बनना नहीं है, भगवान है वो समझना है क्या, ये धर्म ऐसा है। तो मंदिर में हर दीवार पे लिखा है सत्संग भवन के अंदर, और सोगाणी जी का वचन वो लेक्चर देते हैं उसके ऊपर, मैं तो अभी ही सीतालय में बैठा हूँ, क्या कितना बढ़िया, पढ़े तो हैरान हो जाए। और सोगाणी जी का स्टेच्यू भी वहाँ है, किसी मंदिर में नहीं है, वहाँ स्टैचू है सोगाणी जी का, हाँ आगरा मंदिर में, देख कर प्रसन्न हो जाए चित, आज तक नहीं देखा है किधर किसी के पास। ये फोटो लगाने को तकलीफ होती है, अगर अपन छोटा फोटो दिए 10x12 का, सोगाणी जी का फोटो रखो मंदिर में, हाँ जैसा कि हरिजन हुआ जैसा आए ऐसा हाथ खराब हो जाते, जैसा वहाँ स्टैचू लगाया आगरा के मंदिर में सत्संग भवन के अंदर, काली जैकेट पहन करके एकदम मंदिर जैसा बना करके उसमें फोटो है, वो खुद खास देखने को जाने का दिल होता है क्या। वहाँ से मुमुक्षु तरह के मरे कुछ भी हो, लेकिन अपने को वहाँ भावना ऐसी है कि वहाँ चाहे तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश चलता है, वहाँ मेरे परिणाम इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं वहाँ देखने मात्रा से। वो लोग बड़े ही नरक में जावे, नहीं समझे तो नहीं समझे, अपनी साधना होती है आज। तो वहां लिखा है हर दीवार के ऊपर, भगवान बनना नहीं है, तुम भगवान हो ये समझना है, ये धर्म ऐसा। इसलिए मुझे भगवान दर्शन दे तो ऐसा मैं भिखारी नहीं हूं कि मैं कुछ मांगूंगा, देना है तो दे दर्शन, नहीं तो मैं ये बैठा हूं। ये सोगाणी जी की ताकत चाहिए, आत्मा का अनुभव करना है, पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो कर, मैं किसका ध्यान करूं, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, मैं परमात्मा को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि मुझे अपॉइंटमेंट दे, उसको आना है तो, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूं, मैं अलग थोड़े हूं, अब मैं ही मेरे को अपॉइंटमेंट दूं कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं आत्मा हूं ये जानना नहीं है सिर्फ, मैं आत्मा हूं ऐसा देखना नहीं है सिर्फ, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा साथ में मानना है। और नहीं, अपन गुरुदेव का बोल लिए थे कि परद्रव्य बंध का कारण है, स्वद्रव्य मुक्ति का कारण है, ठीक है ना, तो नहीं, परद्रव्य कोई भी बंधन का कारण नहीं है, और स्वद्रव्य अपना परमात्मा जो अंदर विराजमान है वो मुक्ति का कारण नहीं है। फिर आप क्यों कहते हो कि आत्मा को देखो तो मुक्ति हो जाएगी, जब वो मुक्ति का कारण नहीं है तो भी देखने को क्यों कहते हो, भीतर देखो भीतर देखो, क्योंकि तुम बाहर देखते हो ना, इसलिए कहते हैं कि तुम भीतर देखो, जब भीतर आओगे तो बोलेंगे अब देखने की जरूरत नहीं है, अब फिर करो कि तुम परमात्मा, इसलिए भीख मत मांगना दर्शन की, नहीं चाहिए दर्शन मुझे, क्योंकि मैं परमात्मा और मैं मेरा दर्शन मांगू,
तो फिर दर्शन बड़ा हो गया और परमात्मा छोटा हो गया। क्या हो गया? अनुभव ज्यादा बड़ा हो गया और परमात्मा उसके सामने छोटा हो गया, इसलिए स्वयं परमात्मा होकर के भीख मांग रहा है कि भगवान मुझे दर्शन दे। तो भगवान क्या हो गया? छोटा, और दर्शन हो गया बड़ा। तो अब दर्शन नहीं मिलेगा। तुम तुच्छ क्षणभंगुर चीज को मांगते हो, कंडीशन रखते हो, अब परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, अब तुझे दर्शन नहीं देंगे। इसीलिए तुम आग्रह छोड़ दो कि वो तुझे दर्शन देंगे, तुम भीख मांगना छोड़ दो, दर्शन जल्दी करो, जल्दी करो। कहाँ जाना है? किधर जाना है? नहीं, फिर घर के काम खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो भी करके लो, कर लो, दुखी हो जाओ, बाद में आना। नहीं, लेकिन भी दुकान जाना है ना, कौन संभाल लेगा? सब मेरे पे जिम्मेदारी है। आप तो अभी खाकी बवाल बना दोगे मेरे, कब तक वेट करूं? ये चरण शरण धीरज नाथ, मतलब सुख नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा तो भी नुकसान धंधा करूंगा, ये इसका मतलब ये होगा। ये बेवकूफ नहीं तो क्या है? अगर मुझे दर्शन मिला तो ठीक है, तो भगवान को पाने को तैयार हूँ, लेकिन देखो भाई हमारा भी लिमिट है क्या? इतने दिन के अंदर दर्शन दे देना तो भगवान दोनों वाली बिगड़ेगा मामला, इधर का भी गया और उधर का भी गया, ऐसा मत करो। इसलिए परमात्मा को हम रिक्वेस्ट करते हैं, और नहीं तो दंडा भी उठा लेंगे बाद में परमात्मा को डालने के लिए सर पे, कि देना है तो जल्दी दर्शन दो, क्या हैरान करते हो बेकार का। क्या आपको पता नहीं है कि मैं दुकान में कोई नहीं है, अकेला संभालने वाला हूँ, घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, सब उठा पटक, रोटी मेरे को बनाना, दाल भात मेरे को बनाना, सब मेरे को बनाना, कामाली है, लेकिन कामाली के को भी ध्यान तो मेरे को रखना पड़ेगा ना, आपका ध्यान कैसे रखूंगा? आप मेरी कंडीशन समझो थोड़ा, ये परमात्मा दया करो, मैं तुम्हारे चरण में हूं, लेकिन मैं भीख तो मांगूंगी, भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। इसलिए वर्तमान में सारे आग्रह सारे कंडीशन छोड़ करके टोटल सरेंडर होना है। 1% भी संसार बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, सारा कुछ जल जाता है तो जल जाने दो, लेकिन मैं मेरी जगह से हिलूंगा नहीं, परमात्मा को देखे बिना मेरे को चैन की सांस आएगी भी नहीं, रात को नींद नहीं आएगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा, जिंदा मर जाना बेटर है, लेकिन परमात्मा के दर्शन के बिना मैं रहूंगा नहीं, लेकिन मांगूंगा भी नहीं। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो किनारे पे आकर के प्यासे रह जाओगे। मांगा तो खबरदार, मांगना नहीं कुछ, मांगना नहीं, आप साधना करते जाओ, प्रभु शरण में रहो, भक्ति में रहो, एक दिन नहीं अनंत काल तक भी यही काम करना है। क्या? जब सुख का एक ही उपाय है, शांति का एक ही उपाय है परमात्मा के दर्शन करना, तो इसके अलावा जो कोई भी उपाय करोगे वो तो क्या का उपाय है? अशांति का, दुख का। और हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, दुकान में लेट हो रहा है। देखो अभी एक महीना मैं लीव लेता हूँ, इसमें अगर मिला परमात्मा के दर्शन ठीक है तो वापिस मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा, फिर तो होगा भी नहीं, क्योंकि फिर वापिस फंस जाएंगे ना। इसलिए मेहरबानी करके एक महीने के अंदर मुझे आत्मा का दर्शन दे दो, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। ये क्या हो गया? ये आग्रह हो गया। मतलब अगर एक महीने के अंदर दर्शन नहीं मिले, शांति नहीं मिली, तो वापिस मैं राजी खुशी से राग द्वेष करने के लिए, संसार में फंसने के लिए बीच समुद्र में जाकर के मरूंगा और डूबूंगा। इसलिए तैरना है, मुक्ति पाना है, लेकिन कंडीशन है इतने टाइम के अंदर मुक्ति दे देना, नहीं तो ऑफिस में डूब जाऊंगा। भैया डूब जाओ, क्या तुझे बहुत शौक है डूबने का? तो डूबो, तुझे शांति पाना है तो यहाँ आना, शांति नहीं पाना है तो कोई बात नहीं, बहुत दुनिया बड़ी पड़ी है, रोज कहीं मर रहे हैं, रोज कहीं पैदा हो रहे हैं, तुम भी जियो और मरो, इसी को पड़ी नहीं है,
कोई किसी के लिए मरता नहीं है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है। अगर आपको अपने आत्मा की दया आती है, ये भोग्रमण के चक्कर से छूट जाना है, तो आपका एक भी कंडीशन नहीं चलेगा। 100% सरेंडरशिप चाहिए। ये कोई इतना इजी रास्ता नहीं है, इजी सरेंडर होने के बाद इजी है। सरेंडर नहीं हुआ तो बड़े बड़े योगी हिमालय पे तपस्या करते हैं करोड़ों साल तक, तो भी मिलता नहीं। अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी जैन धर्म के गाथाओं का इतिहास बताता हूं। तो नग्न दिगंबर हजारों साल की साधना करने वाले पंच महाव्रतधारी जंगल में रहने वाले, उनको भी आत्मा के दर्शन नहीं होते। सारे शास्त्रों का अभ्यास होने वाले को भी आत्मा के दर्शन नहीं होते। क्यों? ये कंडीशन नहीं चलेगी किसी प्रकार की। कंडीशन रखा तो गया। आपकी ज्ञान की साधना बेकार, आपके आचरण की साधना बेकार। क्यों? कि जिसके लिए करते हो ये साधना वही गायब है। आपको श्रद्धा नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। अब आप जितना भी आगे बढ़ना है बढ़ो, जितना स्पीड से जाना है जाओ, नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाओ। आत्मदर्शन नहीं होगा, सुन नहीं होगा। मुनि व्रत द्वार अनंत बेर ग्रेवे कुप जाए, पई निज आत्म ज्ञान बिन सुख ले न पाए। समय सर में भी है, सर्व आगम धर है, तो भी जब अपने को नहीं जानता है खलास हो गई बात। वो कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। पूरी दुनिया का नॉलेज है फिर भी उसको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वो अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं ऐसा जिसको भान नहीं है, उसके पास सारी दुनिया का नॉलेज होने पर भी वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं। तो ये पांचवा नंबर के पॉइंट के अंदर आग्रह छोड़ने को कहा है। कंडीशन नहीं चलेगी आप। सरेंडर विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी क्वेश्चन। कब दर्शन दोगे? नो क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं। और एक महीने के लिए नहीं, दो महीने के लिए नहीं, चिरकाल अनंत काल तक मैं आपकी सेवा भक्ति चरण में रहूंगा। अभी आपको जल्दी दर्शन देना है तो जल्दी दो, बाद में देना है तो बाद। मैं यहां से वापिस जाने के लिए थोड़ा आया। ये जो फौजी जो दुश्मन की लड़ाई होती है तो फौजी जाते हैं मैदान के अंदर। देखूंगा, अगर ट्राई करता हूं, अगर सक्सेस हुआ ठीक है, भाग के आ जाऊंगा। ऐसा जाते हैं? तुम्हें ऐसा नहीं जाता है, कोई फौजी ऐसा नहीं जाता है। समझ के जाता है कि मैं गोली मारने जाता हूं तो हो सकता है कि उनकी गोली मेरे को लगे, लेकिन मेरी उनकी गोली मेरे पीठ पे नहीं लगेगी। हम हिंदुस्तान के फौजी हैं क्या? अगर मरेंगे तो पीछे गोली नहीं लगेगी, कहां लगेगी? छाती पे लगेगी। तो ये प्रभु को पाना भी इससे कम साहस नहीं है, बहुत बड़ा साहस है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। हरि नो मारव छे सुरानो नहीं कायनो काम जो ने प्रथम पहला मस्तक मुखी वर्ती ले नाम जो। इतनी सरेंडरशिप है तो फिर आपको 6 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा। हो सकता है 1 सेकंड में काम हो जाए, क्योंकि प्रभु से बड़ा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ा सर्वशक्तिमान और कोई नहीं है। वो अगर चाहे ना, वो अगर प्रसन्न हो जाए ना आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी कुर्बानी, आपके समर्पण भाव से, तो पल में आपको कहां से कहां बिठा देगा आपको। क्या 1 सेकंड उसके लिए तो कोई बाय का खेल, का काम है परमात्मा के लिए। ये जरूर आपके दिमाग में कहीं प्रॉब्लम है, कचरा है, इसीलिए परमात्मा प्रसन्न नहीं हो रहा है। बाकी वो गोवर्धन नहीं उठा लिया था कृष्ण भगवान ने? कौन सी अंगली पे? जिसको बचना है जल्दी आ जा मेरे शरण में, पार उठा लिया। जितने भी गाय भैंस गोवाले सब उसके नीचे आ गए, पहाड़ के नीचे, बारिश से भीगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा उठा लिया था। बाएं हाथ की ये हाथ
बाया हाथ, उसकी दूसरी आंगली, पूरा बाल गोवर्धन उठा लिया। परमात्मा इससे ही बड़ा शक्तिमान, आप समझते नहीं हो कि आप कौन हो, सर्वशक्तिमान हो। और नहीं समझ करके फिर भीख मांगते हो, दर्शन के व्यासे हो जाते हो। नहीं, आपके लिए उतना ही काफी है कि आप संसार को छोड़ दो, मन से, वचन से, काया से। सब कॉन्शियस माइंड में की परवाह नहीं है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड में एक भी विचार संसार का नहीं होना चाहिए, उसमें पूरे प्रभु या सदगुरु बैठ जाना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए, न राग न द्वेष। एक सेकंड बाद की प्लानिंग नहीं, भूतकाल का अफसोस नहीं, वर्तमान में आग्रह नहीं। दरवाजे खुले हो गए अब, ये परमात्मा के अंदर जाने के लिए तीन दरवाजे होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य की चिंता करोगे तो दरवाजा बंद है, आप अंदर जाओगे कैसे? भूतकाल का अफसोस करोगे तो वो दरवाजा बंद है, आप अंदर कैसे जाओगे? और वर्तमान में कोई आग्रह रखोगे तो भी दरवाजा बंद है। इन तीन में से एक भी दरवाजा अगर बंद है, आपको एंट्री नहीं है अंदर। खुलेंगे तो तीनों साथ में खुलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेंगे। चमत्कारी दरवाजा है। इसलिए ये जो तीन गलती जो बताई, भविष्य का निर्णय मत कर, भूतकाल का अफसोस मत कर, और वर्तमान में आग्रह मत कर, बस लाइन क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, दरवाजा खुल जाएंगे। तो ये पांच गलती का ध्यान में रखना है तो परमात्मा का दर्शन अपने को हो सकता है। कल से ये पांच दरवाजे, ये दो गलती और तीन दरवाजे खुलने के बाद फिर कुछ गड़बड़ होती है। वो कौन सी गड़बड़ होती है कि अभी भी परमात्मा दर्शन नहीं देता है, उसकी बातें चलेंगी। तो अभी 11 गलती है और ये पांच के बाद एक के बाद एक वो गलती को चेक करते जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे परिणाम में ऐसी गलती होती है कि नहीं होती। एक अभी बड़ा बड़ा काम हो गया, अभी छोटे छोटी गलतियां होती हैं, वो छोटी छोटी 11 गलती निकल जाएगी तो दर्शन दे देगा भगवान और सामने से आएगा। और आपको ऐसा मध्य में डूबे हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर आकर के रस्सी भेजेगा और आपको अदर उठा लेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो देखने वाले ही बन जाना। रस्सी भी आपको बांध देगा वो खुद ही आकर के नीचे, और खुद ही आपको उठा के लेके जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पहले ये गलती समझना है, ये गलती एक भी नहीं रहना। आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। आज हमारा खास दिन है, हमारे एक मुमुक्षु का जन्मदिन है और मुझे खुशी है कि अब बधाई देने में मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कुछ मुमुक्षु लोग साथ में हैं और हमने ये कार्ड बनाया है। तो पहले सब लोगों का लेटर पढ़ लूँ कि मेरा मेरा कार्ड पढ़ू? आप जैसा बोलो वैसा करो, क्या करना, सबके पढ़ू, मेरा सस्पेंस रखू ना थोड़ा। तो कुछ लेटर्स आए हैं, 3 साल का पंकज भाई का हमारा संबंध है और आज उनका जन्मदिन है, सब लोग ताली बजाएंगे। ये दिलीप भाई ने लिखा है, बुधवार डेट 12 तारीख, परम पूज्य वडिल श्री पंकज भाई, जन्म दिवस मुबारक, विश यू हैप्पी बर्थडे। जत अमो तारंगाम एक रूम में साथे आता। देखो लाइव उनका जो भी मेरे को स्टाइल पसंद आता है, बड़े बड़े शब्द नहीं, जो अनुभव किया वो लिखते हैं। रूम में साथ में थे तारंगा के अंदर, तेमनी ओछू बोलवानी और श्री आत्मकल्याण शिवानी बीजी कोई बात नहीं जोइए। आ जोईने मने एम थयुं कि हूँ शू काम वधारे बोलबोल करूँ छूं। ત્યાંથી અમે અમદાવાદમાં શ્રી અરવિંદભાઈ, શ્રી પ્રકાશભાઈ, હું અને શ્રી પંકજભાઈ સાથે હતા। ત્યાં સત્સંગ સિવાય કોઈ વાત ન કરતા। જ્યારે હું તેમના ઘરે બધા મુમુક્ષુ સાથે પીછામી દુકડમ કરવા ગયો ત્યારે મને થયું કે આટલા દૂરથી સવારે રોજ રેગ્યુલર 9 વાગે સત્સંગ સાંભળવા આવે છે તો હું તો સાવ નજીકમાં છું, તો મારે તો પૂરેપૂરો લાભ લેવો જોઈએ। એ દેખો એ ગુણરાહી દ્રષ્ટિ, અમે ઇસ લેટર કી બહુ તારીફ કરતા હું।
दूसरा एक लेटर है गीताबेन का, जन्मदिवस निमित्त आज एम थे कि पंकज भाई बारा में थोड़ा लख थोड़ू लख पंकज भाई ने एक वर्ष थी जो छू ऑलवेज मने इमने जोई ने खूबज पीड़ अने वडील तरीके मान आवे पण ज्यारे सत्संग में ते प्रश्न पूछे त्यारे एकदम निर्दोष नाना बाळक जेवा लागे। एक वार मने याद छे मारा मिस्टर ज्यारे सत्संग में आवता न हता त्यारे मारा थी पंकज भाई पासे लड़ाई गई कि ते पण आवे तो केवू सारू, तमे गुजराती छो एक एक ही कास्ट है मेहता मेहता, तमे एमनी साथे काई बात करो तो इमने मने बहुत सरस रीते कीधु कि कोई ना कहवा थी कोई ना आवे, एनो आत्मा स्वीकारे त्यारे ज आवे, हूँ पण एकलो ज आवुं छुं। त्यार थी मैं नक्की करी लीधुं कि इमने आवुं हशे तो आवशे, अने ज्यारे क्वेश्चन अने आंसर थाय त्यारे एमना जवाबनी हूँ राह जोउं, कारण कि हर वक्ते इमनो जवाब करेक्ट होय। हमणा एक रिसेंट इंसिडेंट मारी साथे थयो, અમારા એક ક્લોઝ પાડોશીના લગ્નમાં જ્યારે જવું જ પડે એમ હતું, ત્યારે ત્યાં પહોંચ્યા પછી ન કોઈ સાથે વાત કરવું ગમે, ન હસવું ગમે, ખોટા કોઈના વખાણ તો કરવા ન હોય, ન કોઈના કપડામાં ઇન્ટરેસ્ટ કે દાગીનામાં ઇન્ટરેસ્ટ, તો વાત શું કરું, પાર્ટી મેં તો એસા કરતા આપકી સાડિયા છીએ કાં સે લાય, એ ધંધા હૈ વહાં પર, સમજાતું ન હતું તો શું કરું, પરાણે બેઠી એમ થાય કે મૌન રહું તો ક્યાં એકલી જઈને બેસું, ત્યાં તો દૂરથી પંકજભાઈને આવતા જોયા, જાણે કે સદગુરુ મળી ગયા એવી ખુશી થઈ, અને પછી તો એમની સાથે એક કલાક ક્યાં સત્સંગમાં નીકળી ગયો અને બેટરી ચાર્જ થઈ ગઈ। એમને તારંગા પણ જ્યારે જોતી તો એમ થતું કે આ એજમાં આટલા હેલ્થના પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ બધા સાથે પોતે પોતાનું કામ કરી લેતા, કેટલી સરળતા, અને કોક વાર તો એવું થાય કે ગુરુદેવ પણ એમને વડીલ તરીકે માને છે। પંકજભાઈ જ્યારે છોકરાઓ સાથે મળીને ગુરુદેવની ટ્રીપ બહારગામ જવાની કેન્સલ કરાવે છે આપ લોકો સબકો મજા આતી હૈ, ઠીક હૈ, સમજમાં આ રહા હૈ, ત્યારે એકદમ ઘરમાં કોઈ વડીલ ગુરુદેવનું ધ્યાન રાખે છે એવી શાંતિ થાય છે। જન્મદિવસ નિમિત્તે એમ થાય કે તેમને ગુરુદેવનો ખૂબ સમાગમ મળે, જેથી તે પણ એક ભવતારીનો પૂરેપૂરો પુરસાદ કરી શકે। નિતન ગીતાબેન એ સંજુને લિખા હૈ, હેપી બર્થડે ટુ ડિયર પંકજભાઈ। પંકજભાઈ જન્મદિન તો આપને પહેલે ભી મનાયા હોગા, લેકિન શાયદ પહેલે એસા ન હુઆ હોગા કે આપકો अरियंत इनटू ब्रैकेट गुरु जी ने बधाई दी हो और साधनियों ने बधाई दी हो, सुख और आनंद का अनुभव चलता हो और अपनी सिलसिला दिख रही हो, इमा तो पची शुभ कामना करवी छे ने आपा साधन संजू गर्वित छे शब्द उनका खुश है। प्रणाम सस्सी, आदरणीय पंकज अंकल आपको जन्मदिन की हो बधाई, शुभ घड़ी है आई बधाई आई, देव गुरु जी की शरण है पाई, अब देने दुखों को विदाई, सब कभी हो गए आज खुशियां पाने की घड़ी आई, करना है मुक्ति वधु से सगाई, क्यों बराबर छे ने पंकज भाई, मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, બરાબર છે ને, ગર્ભિત છે, બરાબર છે, સુરેન્દ્રભાઈ કા લેટર હૈ, અચ્છા લેટર હોગા યે શાયદ, મેરે સે કોઈ જ્યાદા માર્ક મિલે હમે બાબા। પંકજભાઈ જન્મદિન કી વધાઈ હો, પંકજભાઈ કે જીવન મેં સબસે પહેલે હમને વો કહાવત ચરિતાર્થ હોતી દેખી, જહાં પર ઉપાદાન કી તૈયારી હોતી હૈ વહાં નિમિત્ત હાજિર હોતા હી હૈ। आलम राय में पंकज भाई का संसार से मोह टूट रहा था, उन्होंने स्वयं को कृपालुदेव को समर्पित कर दिया था, उनकी संसार से छूटने की सच्ची भावना का ही फल था कि गुरु जी का आलम राय में सत्संग शुरू करना हुआ, या यूं कहिए कि आलम राय का सत्संग पंकज भाई के लिए ही शुरू हुआ।
पंकज भाई की शुरुआती निष्ठा को याद करते हैं तो मन में उनके प्रति भक्ति के भाव आए बिना नहीं रहते। मालूम है कि वे दिन याद आते हैं कि उन्हें उन दिनों गुरुजी से कैसा अपनापन हो गया था, उनकी गंभीरता और गुरुजी के प्रति अपनापन कब भक्ति में बदल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद तो गुरुजी उनके अपने ही हो गए, एक दिन दो दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। पंकज भाई की वेल प्लान लाइफ मेरा ध्यान अक्सर खींचती है। कारोबार के चक्कर से उन्होंने जिस सुंदर तरीके से स्वयं को मुक्त किया है वो वास्तव में सराहनीय है। कृपावलियों के बहुत से पत्रांक उनके जबान पर रहते हैं जो अक्सर हमें सत्संग में देखने को मिलते हैं। दो दो विवाह योग्य बेटियों का पिता भी बगैर कोई चिंता के निश्चिंत रह सकता है, ये तो हमें पंकज भाई के केस में ही देखने को मिलता है। उन्होंने अपना सारा समय साधना के लिए ही दे दिया है। सत्संग के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय है। अपनी उम्र की परवाह भी नहीं करके वे प्रतिदिन नियत समय में सत्संग में पहुंच जाते हैं। उनके परिणमन का प्रकाश आलमराय में फैल चुका है। यही कारण है कि आसपास के लोग पूछे बगैर भी उनकी हकीकत जान गए हैं। उन्होंने संसार के सब सुख देखे हैं, उसके बावजूद भी सीधा साधा वितरागी जीवन उन्होंने पसंद किया। उनके जीवन से इस मार्ग की महिमा औरों को जानने को मिलती है। संसारी रिश्ते नातों के बिना भी हम सुखी रह सकते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण पंकज भाई है। उनका मधुर स्वभाव मधुर छवि किसी को भी आकर्षित कर लेती है। पीना है अगर अमृत तो कलेजा शेर जैसा चाहिए, पीना है अगर अमृत तो कलेजा शेर जैसा चाहिए। गुरुजी तो निकले हैं देने लेकिन लेने वाला, गुरुजी तो निकले हैं देने लेकिन लेने वाला पंकज भाई जैसा चाहिए। अब मैं समझता हूँ मैं पीछे रह जाऊँगा, इतने अच्छे लेटर लिखे हैं तो मैंने ऐसा बनाया है। और मैं कब बनाया है मैं बता दूँ कि मेरे को विचार नहीं आ रहा था, मैं बोला लिखना है अभी नहीं आवाज हो जाएंगे लेकिन विचार ही नहीं आते और हैरान परेशान था। फिर मैं 8:40 को लिखने बैठा, 8:40 को, और क्या लिखूं करके कुदरती जो लिखा गया सो लिखा गया, इसलिए शायद अच्छा नहीं भी लिखा होगा। आप देख लेना, हैप्पी बर्थडे टू श्री पंकज मेहता, पंकज भाई मेहता, और अपना एड्रेस श्री वितरा सत्संग मंदिर। हैप्पी बर्थडे टू पंकज भाई, जन्मदिन पर लाखों करोड़ों बधाई भाई, बधाई। परम कृपाऊ देव की अंतर शैली मन भाई, शैली उनकी लड़की का नाम है। परम कृपाऊ देव की अंतर शैली मन भाई, प्रभु प्राप्ति, प्राप्ति उनकी दूसरी लड़की का नाम है, बड़ी लड़की का, प्रभु प्राप्ति के लिए देव की वचन शैली समझाई। परम कृपाऊ देव की कृपा हुई उनके अंतर शैली मन को भाई, और प्रभु प्राप्ति की भावना थी तो देव की वचन शैली समझ में आई। रंग राग मई जिंदगी से था मैं बड़ा लिप्त, पंकज भाई बोलते हैं अपने को, रंग राग मई जिंदगी से था मैं बड़ा लिप्त, सत्संग और देव कृपा से हुआ हूँ संसार से अलिप्त, जैसे कीचड़ में भी रहता है पंकज अलिप्त। पंकज फूल कमल का नाम है, कमल शब्द का दूसरा नाम है पंकज, पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज उसका दूसरा नाम है कमल। तो रंग राग मई जिंदगी से था मैं बड़ा लिप्त, सत्संग और देव कृपा से हुआ हूँ संसार से अलिप्त, जैसे कीचड़ में भी रहता है पंकज अलिप्त। मेडी सिटी में देखी रमाबेन की अपूर्व साधना, किया अपूर्व पुरुषार्थ जगाकर संवेग भावना, साधना भावना करने निज परमात्मा देव का आमना सामना, साधना भावना आमना सामना। मेरी सिटी में देखी रमाबेन की अपूर्व साधना, किया अपूर्व पुरुषार्थ जगाकर संवेग भावना करने निज परमात्मा देव का आमना सामना। सत्संग की आराधना से हुआ है प्रभु से मिलन, सत्संग की आराधना से हुआ है प्रभु से मिलन, द्रव्य दृष्टि की साधना से बनकर एक अवतारी अवश्य करूंगा,
मुक्ति सुंदरी से शीघ्र वरण मिलन वरण। सत्संग की आराधना से हुआ है प्रभु से मिलन, द्रव्य दृष्टि की साधना से बनकर एक बहुतारी अवश्य करूंगा मुक्ति सुंदरी से शीघ्र वरण। कृपाणु देव की करके सच्ची भक्ति, पाई नाचीज ने गजब की शक्ति, भक्ति से शक्ति मिलती है। देखकर मुमुक्षुओं की अवलोकन साधना, दौड़ पड़े हैं चरण पाने, भव बंधन से मुक्ति, भक्ति शक्ति और मुक्ति। विद साधन में प्रेम फ्रॉम श्री वितराग सत्संग मंडल हैदराबाद। अभी वो मिठाई वाला केक, अभी अभी हम लोगों ने वो जो केक बनाते हैं ना बेकरी में, वो बंद कर दिया है सिस्टम। और एक ही सिस्टम कलाकंद का केक, तो पंकज भाई आएंगे और काटेंगे। ये 5 मिनट सबका टाइम लगेगा, पहले भक्ति कर ले बाद में काटेंगे, अच्छा रहेगा। किधर मम्मी का सामने ये वाला भूल गया था, सॉरी। एक और ग्रीटिंग कार्ड आया है, पढ़ लेता हूँ आखिरी। श्री सद्गुरु देवाय नमः, आदरणीय साधर्मी पंकज भाई चंदा बेन का प्रणाम। आज आपके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। आप में सद्गुरु के प्रति अपार भक्ति है, आपके मुख मुद्रा पर उल्लासित और सजगता विराजमान रहती है। आप में वात्सल्य गुण भी प्रकट हुआ है और आप में डॉक्टरी की भी बहुत जानकारी है, उसमें भी आप बहुत राय देते हैं और हमें फायदा भी बहुत होता है। ऐसे बहुत से गुण हैं और आप पर मेरी भाभी माँ की असीम कृपा थी। और जो बालंग भाई में 8-10 महीने का सत्संग हुआ था, उसमें मेरी भाभी माँ ने आपकी योग्यता को पहचान लिया था। ऐसे संसारी रंगों में रंगा हुआ जीव का आश्चर्यजनक पलटना, ये तो कोई विरल जीव ही कर सकता है। आते समय कभी कभी आपके साथ आना होता है, वो संग से बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसी परम भक्ति करने वाला जीव हमारे वितराग मंडल की शान है। और इसी प्रकार आपकी साधना निरंतर चले, इसी भावना के साथ साधन भी चन्ना बेन का जय जिनेन्द्र। अब हम सब खड़े होके पहले सुस्तिति कर लेते हैं, बाद में कार्ड दे देंगे इनको और कैक काट लेंगे।